वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बहुत सभी स्टूडेंट के मन में अब डाउट है कि सर बिजनेस मैथ्स के अंदर सिलेबस क्या है और सिलेबस कितने टाइम में कंप्लीट होगा और चैप्टर्स कितने हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है आपका बिजनेस मैथ्स का सिलेबस, जिसमें कि आपको यूनिट वाइज में यूनिट वन में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स है। तो सिर्फ नाम के लिए इतना छोटा नाम दिया हुआ है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, बट इसके अंदर का कंटेंट बहुत ज्यादा लेंथी है। जैसे आप देख पाते हैं कि इसमें आपको डेफिनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, और ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम कहां होता है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसमें सबसे ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम होता है। उसके बाद मैट्रिक्स में भी आपके पास में मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, क्रैमर्स रूल मेथड, और साथ साथ में आपको यहां पर जो है इनपुट और आउटपुट मॉडल भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये अकेला अपने आप में एक ऐसा यूनिट है जिसमें अकेले ही आपका जो है एक से डेढ़ महीने का समय ये कंज्यूम कर लेता है। तो खैर, अब मैं बिल्कुल नया बैच लेकर के आ रहा हूं। ये बैच अभी कंटिन्यू चलता रहेगा जिसके अंदर की हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, इस सेशन को हमने कंप्लीट कर लिया है, एक दो क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगी। तो ये फर्स्ट यूनिट आपका कंप्लीट हो गया, बट सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही था। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। अब आप में से जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे बिल्कुल फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल नया बैच उन बच्चों के लिए जिन्होंने के पूरा एक महीने का कोर्स छोड़ दिया, उनके लिए बिल्कुल नया बैच लेकर के आ रहे हैं और नए टॉपिक से आपके पास में ये स्टार्ट हो रहा है। और डियर स्टूडेंट, यहां पर देखिएगा, आप इस बैच में आएंगे तो आपको बिल्कुल नए टॉपिक से ही बैठोगे, पिछला जो टॉपिक है उसके लिए क्लास आपके लिए एक्स्ट्रा अरेंज कर देंगे और प्लस पूरी वीओडी आपको अरेंज करके दे देंगे, जो पूरा एक महीने का जो हमारा डेढ़ महीने जो चला है वो सिलेबस का। तो सीक्वेंस में चैप्टर वाइज कंटेंट पीडीएफ ये वीओडी आपको हम अरेंज कर रहे हैं, क्लियर है। और इसके बाद आप देखते हैं वीओडी अरेंज करने के बाद आपको कोई डाउट आता तो एक क्लास आपके लिए एक्स्ट्रा रख देंगे। प्लस में अब नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, इसका पीछे किसी भी टॉपिक से दूर दूर तक कोई भी लिंक नहीं है, तो अगर आप ज्वाइन करते हो तो लाइव क्लासेस में कंफर्टेबल हो सकते हो। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए, अगर अभी भी आप मिस कर देंगे तो बाद में मैं एक बात बिजनेस मैथ्स के बारे में क्लियर कर देता हूं कि डियर स्टूडेंट, या तो इसमें फुल मार्क्स आएंगे या तो जीरो नंबर आएंगे, इसमें कोई बीच का रास्ता बनता ही नहीं है। क्योंकि क्वेश्चंस को समझ गए तो फुल स्कोर कर दोगे उस क्वेश्चन में, पर क्वेश्चन नहीं समझ पाए, क्वेश्चन को समझना ही तो मुश्किल है, इसके अंदर क्या पूछ के आ रहा है, निकालना क्या है। अगर आप कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, आप बस एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक नजर मार लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा चीज कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं अगर आपने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया तो। लास्ट मंथ में इसकी प्रिपरेशन नहीं हो सकती है, मैं आपको फिर से कहता हूं कि ये मिड ऑफ मार्च से भी अगर आप शुरुआत करेंगे तो इस सब्जेक्ट के अंदर मुश्किल हो जाएगा पास होना। ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपका पहला क्वेश्चन है वही बाउंस जाएगा, दूसरा क्वेश्चन वही बाउंस जाएगा। इसीलिए बच्चा इतना, इसलिए इसमें मुझे क्यों लगा डेढ़ महीने पढ़ाने में, ताकि एग्जाम में बच्चे का जो है स्किप ना हो पाए क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल ही ऐसा है, पूछ ही ऐसे रहा है, कुछ इस अलग तरीके से रहा है, क्या ही दिमाग लगाओगे इसके अंदर आप, तो इस तरीके से पूछ रहा है। डेरिवेशन पे एप्लीकेशन है सर, सिंपल क्वेश्चन होता ना साइनस का थीटा प्लस कॉस का थीटा, तो ठीक है आप वन लिख देते फॉर्मूला याद करके, ऐसा मैथ्स है ही नहीं ये, क्लियर है। सबसे डिफिकल्ट मैथ्स में से एक माना जाता है आपका एसएससी का मैथ्स, ये सब चीजें आसान है इसके आगे, ये इसमें समझना ही मुश्किल है, पूछ क्या रहा है उसमें आपका दिमाग लगाना ही मुश्किल है कि यार ये चैप्टर है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं हम, इंटीग्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो जब आपको चैप्टर के बिल्कुल रूट्स ही नहीं पता, उसमें कुछ उतार चढ़ाव आ रहा है कहां से, कुछ नहीं, जो कर सकते हो वही कर पाओगे, मतलब। लेकिन ऐसे में स्टूडेंट एग्जाम में कभी पास नहीं हो सकते हैं, इसलिए आपको डिटेल में समझो, एक चीज अच्छे से समझो। इसलिए मैं एक चैप्टर में, एक एक यूनिट में डेढ़ महीने का टाइम ले रहा हूं, बड़े प्यार से मैं नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, इसके रूट्स को समझेंगे, ताकि क्वेश्चंस कैसे भी पूछे आपसे उसका जवाब दे सकते हो। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, ये सलाह मैं आपको देकर के जा रहा हूं कि लास्ट के डेढ़ से दो महीने में इसके सिलेबस को कोई भी तैयार नहीं कर सकता है, ये लिख लो, ये बात मैं बोल रहा हूं आपको। इसलिए रिजल्ट आने से पहले डेढ़ महीना पहले, जिस दिन एग्जाम हुआ थर्ड सेमेस्टर का, नेक्स्ट डे से मैं शुरू हो गया था, मुझे मालूम है कि मेरे पास में लोड आएगा इस चीज का। चलिए, मैं तो लास्ट मंथ में भी मेरा कोर्स आपके लिए एक्टिव रहेगा, आप एग्जाम से एक दिन पहले भी अगर आप आते तब भी आपके लिए मेरा कोर्स अवेलेबल है। मुझे मालूम था कि बच्चे लास्ट मोमेंट में भी आते हैं, एक दिन पहले भी आते हैं, दस दिन पहले भी आते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आप आएंगे तो मैं 24 घंटे पढ़ा भी लूँ ना तब भी कोर्स पूरा नहीं होने का है, अगर लास्ट 15 दिन में भी अगर आप आते हैं तो यहां पर इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना काम तो शुरू कर देता हूं, बाकी वीओडी बच्चों को जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि मुझे मालूम है लास्ट के 20-25 एक महीने में रेगुलर क्लासेस ले लूं, दो दो घंटे क्लासेस ले लूं तब भी कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। अब आप और डिले आओगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको तो ये बोलेंगे यूनिट वन यूनिट टू का वीओडी है, बाकी आपका लाइव चल रहा है। मतलब भाई साहब, अगर आपके पास में 150 प्लस आपके पास में लेक्चर आपके पास में होंगे, तो 150 से 200 लेक्चर आप जो है
लास्ट के अगर आप 1 वीक में आप क्लासेस लेते हो तो क्या 200 लेक्चर का आप यूटिलाइज कर पाओगे, खुद सोच के देखो, नहीं कर पाओगे। इसलिए सही टाइम है लास्ट में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्री हो जाएगा, लास्ट में यही आपके प्राइस रहेंगे। तो यूट्यूब पे तो अभी तो फिलहाल मैं पेड कोर्स में ही अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर लूँ, ये बड़ी बात है, क्योंकि सिलेबस बड़ा होता है भैया बिजनेस में, सही है, ठीक है। यूट्यूब पे भी डालते रहेंगे आपके साथ बिल्कुल है, लेकिन आपका जो है पेड कोर्स इसमें मैंने कंप्लीट कर दिया है, हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए ताकि नेक्स्ट यूनिट के अंदर आप बिल्कुल नई क्लासेस से आप लाइव क्लासेस में जुड़ सकें। एक ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।